हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। यूपी के मुरादाबाद में एक दलित परिवार एसएसपी ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गया है। दलित परिवार ने थाना मझोला में तैनात दरोगा अमित कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि दरोगा ने दो पक्षों के विवाद में एक पक्षीय कार्रवाई की है, जिसके चलते थाना मझोला पुलिस के खिलाफ दलित परिवार धरने पर बैठा है। दलित परिवार के मुखिया का कहना है कि थाने में उनके दोनों भाइयों से जमीन पर थूक चटवाया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मझोला थाना क्षेत्र के रहने वाला एक दलित परिवार के मुखिया सुदामा का आरोप है कि थाना मझोला पुलिस ने दो पक्षों के झगड़े में उनके दोनों भाइयों को और विपक्षी पार्टी को थाने बुलाया था, लेकिन उनके दलित होने के कारण उनके भाइयों को अपमानित किया गया और उनके भाइयों से जमीन पर थूकवाकर चटवाया गया। इस घटना के बाद से उनके दोनों भाई सदमे में हैं और वह आरोपी सब इंस्पेक्टर अमित सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग है, जब तक आरोपी सब इंस्पेक्टर अमित सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वह भूख हड़ताल पर रहेंगे। दलितों के सम्मान में मैदान में है, क्योंकि थाना मझोला की पुलिस ने दलित परिवार, जाटा परिवार पर अत्याचार किया है। उसके परिवार के सदस्यों को थाने में अवैध हिरासत में रखा था और उनको जातीय भेदभाव के कारण जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया था और थूक के चटवाया था। इसी के खिलाफ हम यहां बैठे हैं, क्योंकि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये घटना है 7/5/2024 की और 8/5/24 की। हाँ, इनके खिलाफ अभी मुकदमा, इस घटना के बाद मुकदमा, 2 महीने के बाद जब हमने तहरीर दी है अमित दरोगा के खिलाफ, तब इन्होंने जो है हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। ना उसके से पहले कोई मुकदमा फौजदारी का नहीं था। ये दरोगा अमित कुमार लाला की नौकरी ज्यादा करता है, पुलिस की नौकरी नहीं करता। लाला की नौकरी करता है, लाला के दबाव में इनको जो है उत्पीड़न किया गया, क्योंकि ये जो है लाला चाहता है कि ये जो है जहाँ रह रहे हैं 5 पीढ़ियों से, वहाँ से ये चले जाए। लाला है संतोष मोहन दयाल, प्रॉपर्टी के विवाद सिविल में चल रहा है, लेकिन आज जो बैठे हम फौजदारी के मामले में बैठे हुए हैं। आश्वासन दिया है कि न्याय करेंगे, जो फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है उसे वापस लेंगे और दरोगा के खिलाफ जांच चल रही है, यदि दोषी पाया गया तो एफआईआर दर्ज होगी।